नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, जहां पर समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी में से किसी एक सरकार की जीत होने वाली है, क्योंकि ये जो घोसी में उपचुनाव हुए हैं उसके आज नतीजे हैं और सुबह 8 बजे से ही यहां पर मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना तय समय सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। मतगणना की प्रक्रिया की तैयारियां यहां पर जिला प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो भी रुझान यहां पर सामने आ रहे हैं, जो गिनतियां यहां पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, इन गिनतियों में यहां पर समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, उसकी बढ़त यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और यहां पर इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दारा सिंह चौहान यहां पर उतारे गए थे, जो कि पीछे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसमें आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो कुछ भी तय किया गया था, अब यहाँ पर जो गिनतियाँ हो रही हैं, यहाँ पर कई आरोप लगाए गए, लेकिन आरोपों के बावजूद यहाँ पर समाजवादी पार्टी कई आगे चलती हुई नजर आ रही है। सपा विधायक का यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहना है कि हमारी जीत पक्की है, अब यहाँ पर गिनतियाँ शुरू हो चुकी हैं और गिनतियों में जिस तरीके से मतगणना साफ तौर पर नजर आ रही है, इसमें यहाँ हमारी पार्टी की जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही है और जब यहाँ पर गिनती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब भी हमारी पार्टी की जीत साफ तौर पर नजर आएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर घोसी विधानसभा की बात कही जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर घोसी में समाजवादी पार्टी की जीत की बात करें तो समाजवादी प्रत्याशी सुधाकर सिंह 1372 वोट के साथ दारा सिंह चौहान से काफी आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को 6844, बीजेपी को 5472 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। गिनतियों में साफ तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर घोसी में जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, इसमें समाजवादी पार्टी की जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही है।